गोरखपुर न्यूज के हेडलाइन के प्रायोजक हैं एस्प्रा। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक हैं डॉक्टर राणा हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड एंड ट्रामा सेंटर। 30 अगस्त से शुरू होगा युग पुरुष ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ महाराज की 51वीं एवं राजसंत ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ महाराज की 6वीं पुण्यतिथि और साप्ताहिक पुण्यतिथि समारोह। श्री राम कथा के साथ विभिन्न सामाजिक विषयों पर वक्ता रखेंगे अपने अपने विचार। एसपीसीटी ने किया नगर क्षेत्र में घटित बाल एवं महिला अपराध की समीक्षा, संबंधित अधिकारियों को उचित कार्रवाई करने के दिए निर्देश। कोतवाली थाना क्षेत्र के हजारीपुर में लगाए गए कोरोना टेस्टिंग कैंप का एसडीएम सदर ने लिया जायजा, स्थानीय नागरिकों से की अपील, कहा कराएं कोरोना की जांच, नहीं लगेगा कोई शुल्क। गगहा पुलिस ने पोखरी गांव में हुए डबल मर्डर में वांछित एक और अभियुक्त को किया गिरफ्तार, भेजा जेल। अयोध्या दास राजकीय कन्या विद्यालय में पीटीए के नाम पर अवैध शुल्क वसूली का आरोप लगाते हुए विद्यार्थी परिषद ने संयुक्त शिक्षा निदेशक को प्रेषित किया ज्ञापन, कार्रवाई की मांग, जबकि विद्यालय की प्रधानाचार्य ने आरोपों का किया खंडन, कहा नियमानुसार लिया जा रहा है सभी शुल्क, आरोप बेबुनियाद। रामगढ़ ताल थाने की पुलिस टीम ने राका नामक एक अंतर जनपदीय शातिर चोर को किया गिरफ्तार, चोरी की 4 मोटरसाइकिल और 1 चाकू किया बरामद, भेजा जेल, एसपीसीटी डॉक्टर कौस्तुभ ने दी जानकारी। गोरखपुर में शनिवार को 395 मिले नए कोरोना पॉजिटिव मरीज, 2 संक्रमितों की हुई मौत, जिले में कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर हुई 8829, अब तक 130 कोरोना संक्रमितों की हो चुकी है मौत, जबकि 5980 लोगों की रिपोर्ट आ चुकी है निगेटिव, एक्टिव मरीजों की संख्या हुई 2849, सीएमओ डॉक्टर श्रीकांत तिवारी ने की पुष्टि। कांग्रेस पार्टी अनुसूचित विभाग के प्रदेश महासचिव की अध्यक्षता में संपन्न हुई बैठक, संगठन को मजबूत बनाने पर हुई चर्चा। साप्ताहिक बंदी का महानगर में दिखा असर, सभी दुकानें और प्रतिष्ठान रहे बंद, सड़कों पर बनी रही चहल पहल, मरीजों और किसानों की सुविधा के लिए जिलाधिकारी के निर्देश पर खुली रही मेडिकल स्टोर और खाद बीज की दुकानें। तिवारीपुर पुलिस टीम ने टॉप 20 लिस्ट में शामिल एक शातिर हिस्ट्री शीटर को किया गिरफ्तार, अवैध तमंचा और जिंदा कारतूस किया बरामद, भेजा जेल, सीओ कोतवाली बीपी सिंह ने दी जानकारी। और रीजनल स्पोर्ट्स स्टेडियम में खेल दिवस के अवसर पर आयोजित हुआ कार्यक्रम, हॉकी खेल के जादूगर मेजर ध्यानचंद की चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धा सुमन किया गया अर्पित।